सुशांत सिंह राजपूत प्रिपेयर कर रहे थे अपने आप को 2024 में चांद पर जाने के लिए। जी हाँ, क्या ही ये पूरी कहानी, चलिए आपको डिटेल्स बताती हूँ। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूँ ज्योति नाहक। बात की जाए अगर इस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत हम सभी को छोड़कर गए हैं, अभी तक भी दिल दुखता है सोचकर, और कहीं ना कहीं अभी तक भी अनबिलीवेबल है। इतने में लेकिन मैं आपको बता दूँ, हर कोई अब तक इस बात को समझ चुका है कि उन्हें स्टार्स से, उन्हें क्वांटम फिजिक्स से, उन्हें गैलेक्सी से वो कितना फैसिनेट होते थे, कितनी उन्हें पसंद थी ये चीज़ें। ऐसे में 2024 में उन्होंने अपने आप को जो है वो एनरोल करा रखा था नासा के एक प्रोग्राम में, जहां पर नासा की जो टीम है वो एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेज रही थी। जी हाँ, चांद पर भेजने के इस मिशन पर ऑलमोस्ट रेडी थे सुशांत सिंह राजपूत, और 2024 में उनका जाने का प्लान था चांद पर। अब जो एक्टर चांद पर जाने के सपने देख रहा हो वो एक मामूली इंसान कैसे हो सकता है। सुशांत सिंह राजपूत वॉज अ मैन विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत की एक फिल्म आने वाली थी चंदा मामा दूर के, जो कि एक साइंटिफिक फिक्शन थी। इस फिल्म के प्रिपरेशन के लिए वो नासा में उन्होंने एक महीने की ट्रेनिंग ली थी, जहां पर उनका प्यार जो है गैलेक्सीज और क्वांटम फिजिक्स और इन सभी चीज़ों के लिए और ज़्यादा बढ़ गया, जिसके बाद उन्होंने इस बात को डिसाइड किया कि वो जो है चांद पर ज़रूर जाना चाहेंगे। कहीं ना कहीं ये बातें अभी भी सुनकर और फील कर ऐसा लगता है कि काश कुछ ऐसा हो कि वो वापस लौट आए। आप एज अ व्यूअर क्या कुछ कहना चाहते हैं आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ।